हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक स्ट्रीम्स। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने जो कि खेला जाएगा जापानीज लीग फुटबॉल का, YKFM वर्सेस नगोया के बीच 1 घंटे 23 मिनट के बाद। इस मैच की फाइनल टीम जो आएगी वो लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एवी रॉक स्ट्रीम 11 टीम। जिस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, फटाफट जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। तो चलते हैं आगे, बात करें मैच की। बहुत सेफ मैच है, रिस्की नहीं है भाई बिल्कुल भी। जो लोग रिस्की होगा, जापानीज लीग का ये मैच रिस्की मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि नगोया के फेवर में मैं रह नहीं रहा, YKFM के प्रॉपर फेवर में हूं। YKFM जीती तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप लगेगी। आगे से बात करें, सबसे पहले गोलकीपर की यहां पे लूंगा पहला प्लेयर, जिसका नाम है मिशेल लेंगरक। अब ये आप सोच रहे हैं कि इसने एक मैच में माइनस करा दी तो उसके बाद आप इसको लोगे नहीं, लेकिन ऐसा गलत है। ड्रीम टीम में नाम आ रहा है कि नहीं वो देखा जाता है। और इसने जो माइनस करवाए भी थे कावासाकी के मैच में, कावासाकी टीम स्ट्रांग थी, उन्होंने 3 बार गोल की कोशिश की होती, तीनों गोल नहीं रोक पाया, जिस कारण प्लेयर फ्लॉप हो गए और माइनस हो गए, बट वैसे प्लेयर ठीक है। आगे से बात करें डिफेंडर की, यहाँ से लूंगा नेक्स्ट प्लेज का नाम है टी वुनमैथन। ये कम से कम बहुत महीनों के बाद खेलेगा जापानीज लीग के अंदर, क्योंकि बीच में दिखा भी नहीं है काफ़ी मैच में, बट आज के मैच में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत चलेगा, क्योंकि एज अ फर्स्ट डिफेंडर खेलेगा। और एस हाटानाका की बात करूं, ये एवरेज चल रहा है। मतलब देखो, अगर YKFM की क्लीन शीट लगती है, अगर आज मान लो अगर बाय मतलब बाय लक लग जाती है क्लीन शीट, तो कम से कम इनके डिफेंडर के पॉइंट्स अलग ही चमकेंगे। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट पे की, मार्टिन से थर्ड डिफेंडर, काफ़ी लोग इसको ड्रॉप करेंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि लोगों को थर्ड और फोर्थ डिफेंडर पर भरोसा नहीं होता, और लेकिन मैं करता ही थर्ड और फोर्थ डिफेंडर पर भरोसा हूँ। ये थर्ड डिफेंडर तो चलो एवरेज हो गया असिस्टर के तौर पर, लेकिन फ्री किक के दौरान जो आगे रहेगा, जो कई बार अनएक्सपेक्टेड गोल आराम से करते हैं, वो है गाइस ये आज का प्लेयर के मत्सुबरा। आपको लग रहा होगा बिल्कुल नहीं चला, फ्लॉप है, लेकिन आपको ये अब पता चलेगा कि कैसे खेलता है फोर्थ डिफेंडर। एंड आगे से बात करूं मिडफील्डर की, एस इनागाकी को काफ़ी लोग कैप्टन ट्राई करेंगे, बट फ़ायदा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि एस इनागाकी को कैप्टन रखने का मतलब ये है कि आप ऑपोजिट टीम के फेवर में चले गए। चाहूँ तो मैं भी कैप्टन रख सकता था, लेकिन जो मैंने रखा है वाइस कैप्टन वो है जे एल्बर। अब आप सोच रहे होंगे एल्बर को क्यों रखा, एल्बर के मैक्सिमम गोल है इस लीग के अंदर, मैं पॉइंट्स नहीं देख रहा। अगर उसने कम से कम गोल तो किया, आप बाकी आप लोग पॉइंट्स देखते हैं कि 2 असिस्ट कर दी तो उसके ज़्यादा है, लेकिन एल्बर को देखो कि ये प्लेयर फॉर्म में है। और आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, कि ये नागासावा को लूँगा। दैन नागासावा भी कम से कम भी 4 मई को एक मैच हुआ था जिसमें स्टार्टर में था, और जिसमें ये बहुत जल्दी हो गया था सब्सटीट्यूट, उसके बाद ये खेला नहीं, तो बिल्कुल लेटेस्ट मतलब बहुत देर बाद आया ये प्लेयर। और एम जूनियर की बात करूँ, इसको तो छोड़ना मत भाई, मार्कस जूनियर को, रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। इनके 3 प्लेयर ही तगड़े हैं, एक एल्बर, एक मार्कस जूनियर और एक प्लेयर है डी मैडा, तो ये थोड़ा अलग है, ये कैप्टनशिप के लिए सही है, क्योंकि बहुत ये भी 2 मैचेस नहीं खेला था लास्ट के, और उसके बाद ये आज के मैच में दिखाएगा, क्योंकि ओपोनेंट टीम का सबसे बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा, एम डॉस सेंटोस। ये खेलता तो आई थिंक मैं ओपो मतलब मैं नगोया के साथ हो जाता फेवर में, लेकिन एम डॉस सेंटोस मुझे पता था नहीं खेलेगा, तो मैंने कहा मैडा के साथ जाएंगे। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ से लूँगा नेक्स्ट प्लेयर जिसका नाम है योइचिरो। तो ये प्लेयर को इसलिए ले रहा हूँ, पिछले मैच में नहीं चला क्योंकि उसमें एम डॉस सेंटोस था, वो मौका नहीं देता, लेकिन आज इन्हीं के पास मौके ही मौके हैं, तो शायद ये अच्छा करें। बात करें कैप्टन की, कैप्टन रहेगा डी माइडा एंड वाइस कैप्टन है एल्बर। तो मार्कस जूनियर को जीएल में ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन, और इनागाकी को एज अ कैप्टन ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ऑपोजिट कॉम्बिनेशन में जीएल टीम बनानी है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।